जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम भिखारियों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि भिखारियों की फटी पड़ी है और बौखला गया कि इधर भपके दे रहा है। आपने पहले तो देखा होगा कि गूगल पे हम सर्च करते थे बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड, किसका नाम आता था पाकिस्तान का, वो क्यों आता था, उसके पीछे रीजन था, तभी गूगल उसको डालता है। जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है किसी चीज़ की, तब उसको सर्टिफाइड किया जाता है। तो गूगल ने जो बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड वो डाला था पाकिस्तान का फ्लैग, क्यों, वहाँ पर पानी नहीं था गांड धोने के लिए, तो बेस्ट टॉयलेट पेपर वर्ल्ड जो वो उनने गूगल पे डाल दिया। अब एक चीज़ और सामने आ रही है, जब किसी के पास खाने के लिए दाना पानी कुछ नहीं होता तो वो भीख मांगता है, तो वो भी सर्टिफाइड हो चुका है। जैसे कि इमरान खान पाकिस्तान का, सऊदी अरबिया, चाइना, अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बेइज्जती की, भीख मांगने गया था वहाँ पर, UNSC का मामला, इस तरह से भीख मांग मांग के उसके ऊपर ये ठप्पा लग चुका है कि वो भिखारी है। तो गूगल पर सर्च करेंगे तो बेस्ट बैगर PM इन द वर्ल्ड, कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान आएगा। उसका रीजन ही मैंने बताया, वो सर्टिफाइड हो चुका है, ठप्पा लग चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, FATF ने लात मार दी उनको, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। FATF है क्या, जो पूरी वर्ल्ड की कंट्री को फंड देता है, लोन देता है ताकि अपना विकास कर सके। तो बल्कि पाकिस्तान क्या है, जो भी लोन लेता है वो टेररिज्म पे डालता है, जिहादियों को देता है, इन ISI की जो एजेंट है उनको मानता है कि हमारा परचम पूरी दुनिया में लहरा है, गजबा हिंद। तो इस तरह से ब्लैक लिस्ट हो गया है, ग्रे लिस्ट में डाल, पहले ग्रे लिस्ट में था, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जो इस टाइम बुखलाया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करा। कल उन्होंने क्या किया, अपना मिसाइल परीक्षण किया है दोस्तों, गजनबी, मोहम्मद गजनबी के नाम पर झूठी वीडियो वायरल कर दी है रात के अंधेरे में कि हमारी गजनबी, उसकी टोटल मार देखिए आप, 290 किलोमीटर भी नहीं है। और पाकिस्तानी कमांडो जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं गजनबी के साथ, दोस्तों आप खुद समझिए, 290 किलोमीटर, और भारत के पास इस टाइम 5000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की ऐसी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगी। तो इन लोगों की औकात देखिए आप, डरा धमका रहे हैं, कहीं से भी मामले का इसका निपटारा नहीं हो रहा कश्मीर का। UNSC में चाइना ने जबरदस्ती उसमें UNSC में वो किया, तो वहाँ से भी लात पड़ी। तो मतलब ये डरा धमका रहे हैं, इनका एक रेल मंत्री क्या बोल रहा है कि हमने युद्ध की तारीख तय कर दी है, नवंबर या अक्टूबर में हम हमला करेंगे। और PM इमरान खान क्या बोल रहा है, दोनों देशों के पास परमाणु न्यूक्लियर पावर है और हारेंगे तो हम भी नहीं। तो लौड़ो, एक बार मैं याद दिला दूं तुमको, लौड़े चूतिए, बीवी तो तेरे से संभलती नहीं, कितनी शादियां करेगा, बीवी तो तेरे से संभलती नहीं, और आइसलैंड का एक तू नामात्र कठपुतली बन के रह गया हूं, तो तेरे को मैं लौड़े एक बार बता दूं, 1948, 1965, 1971, 1999, पता है ना क्या हुआ था। हर बार कश्मीर के लिए तुम लोगों ने अपनी माँ चुदवाई है और वहाँ पे मुंह की घानी पड़ी। और सबसे दुख की बात दोस्तों ये है कि जो कमांडो मारे जाते हैं इनके, उनके सबों को सम्मान तो दूर की बात है, सबों को भी अपनाते नहीं है, ये हमारे नहीं है। और देखो किस तरह से गिदड़ भपके दे रहा है। और इमरान खान दल्ले की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है चूतिए की, कि बिजली देने के लिए पैसे नहीं है दल्लों के। देखो उसके दफ्तर का बिल कितना आ चुका है, 40 लाख रुपये, कई कितना टाइम से वो नहीं दे रहा होगा, बिल नहीं दे रहा होगा, तो नहीं दे रहा, बिजली गुल हो चुकी है, गांड धोने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए टमाटर नहीं है, और माँ चुदाने चले हुए अपनी, गिदड़ भपके दे रहे हैं कि हमने LOC भी इतने कार जवान मारे, LOC भी इतने, ये क्या किया लोगों, कुछ नहीं किया, अभिनंदन के बदले ले लिया हमने, जो अहमद खान था तुम्हारा मारा गया, और LOC में जिस तरह तुम लोग कार्रवाई कर रहे हो सारी, वो भी मिट्टी हो रही है तुम्हारी। और बोल के रहे हैं कि कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार, बहन चो कश्मीर तुम्हारा था कहाँ। और आपको पता दोस्तों किस तरह से बौखलाहट बढ़ती जा रही है, अमित शाह ने संसद में क्या कहा, और अभी राजनाथ जी हमारे लद्दाख दौरे पे क्या गए थे, उन्होंने क्या कहा, गिलगित पाकिस्तान वो किसका है, वो भी हिंदुस्तान का है, और PA का जो कभी इनका था ही नहीं वो भी अंदर हो गया। तो इनकी गान में मिर्ची लगी हुई है और अब ये गिदड़ भपके दे रहे हैं। मैंने क्या बोला, इमरान खान के दफ्तर का सोचो बिल 40 लाख रुपया, कब से नहीं दे रहा होगा वो, तो बिजली गुल हो चुकी है, अंधेरे में काम कर रहे हो। और धमकी देखिए इसकी, बेस्ट टॉयलेट पेपर इनका आ गया, बेस्ट बैगर कंट्री इनका आ गया, FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब सिर्फ एकमात्र ये PM इमरान खान जो इनका दल्ला ISI की कठपुतली बन चुका है, जो वो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रही कि करूं मैं क्या।
और युद्ध की तारीख ही तय कर दी है, अक्टूबर या नवंबर में हम हमला करेंगे। इनके एक कौन है वो मंत्री चूतिया दल्ला, वो कह रहा था और डेली अफवाहें फैला रहे हैं कि हमने LOC पे ये किया, लौड़ा किया। LOC पे दोस्तों अगर हम लोग हिंदुस्तानी पेशाब कर दें तो इनकी बहती नहीं है जो सामने नहीं आएगी, डूब जाएंगे, ऐसे तैरते फिरेंगे, बहन जो है कितना पाकिस्तान। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आप खुद सोचिए, मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में अपना जो परचम लहराया है इनकी फटी पड़ी हुई है। इनकी मुस्लिम कंट्री जो यहाँ से इनको भीख मिलती थी वहाँ पर इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। इससे पहले भी आपको पता है जापान में, रशिया में कितने इनको पुरस्कार मिले, और अभी जो गए थे जी सम्मेलन फ्रांस में वहाँ पे क्या बात हुई, क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आप लोगों का मध्यस्थता क्या, हम इसमें मध्यस्थता नहीं बरतेंगे, आप लोगों का द्विपक्षीय मामला है जो आपने करना करिए, और मोदी जी ने साफ कह दिया। तो इसकी और बुंड में डंडा गया हुआ है, तो फटी पड़ी हुई है एक प्रकार से, और इनकी गिदड़ भपकियाँ देखिए। और मोदी जी को बोलते हैं मोदी ये किया, मोदी कश्मीरी पे तंग ढाया, लौड़ो बहन चंद, कितनी बार बोलो तुम लोग 1990 को याद करो, कितना जेनोसाइड होता, इस्लामिक कट्टरपंथ जो चला था तुम लोगों का, जिहादियों जिहाद कर रहे थे, हिंदू औरतों को मार रहे थे, लोगों को काट रहे थे, बलात्कार कर रहे थे उनके साथ, जो 3 लाख लोग वहाँ से पलायन कर गए थे उनको आज़ादी मिली है, तो तुम्हारी गान में डंडा जा रहा है। कितनी सहूलतें मिली थी, 3 रुपये किलो चावल यार, चिकन मुर्गा तुम फ्री के खा रहे थे, और लौड़ो अब जब बहन चुद उसको भारत में फैलाया गया, उसके लिए बहन चुद ये नेहरू वगैरह जो अपनी गान मरवा गए थे, तो आज उस चीज़ को मोदी जी ने मुक्त किया है। तो इन कांग्रेस की बुंड फटी है, राहुल क्या बोल रहा है दल्ला कि ये हत्या बहुत बुरी हो रही है उसमें। दोस्तों आपको पता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी किस लिए शहीद हुए थे, किस तरह से नेहरू वगैरह इन लोगों ने उनकी अज्ञात वो कर दी थी, हत्या कर दी थी, तो उस चीज़ से आज़ादी मिली। तो इनकी ये कांग्रेस लिब्रांडू इनकी गान में डंडा जा रहा है, और पाकिस्तान तो फटी पड़ी हुई है, जिस तरह से मैंने बताया है, किस तरह से कंगाली की राह पे पहुंच चुका है, बौखलाया हुआ। तो बहन चो दो एक बार लड़ाई करने से पहले ये जितने भी मैंने वोर बताए इनको याद कर लो, अपनी परिस्थिति याद कर लो, और न्यूक्लियर पावर की बात रही तो वो तो छोड़ो, फिर कहाँ 290 किलोमीटर और कहाँ 5000 किलोमीटर वर्ग की जो हमारी मिसाइल है, तुम्हारी गजनबी गोरी जो सारी की बुंड मार देगी। तो भौंकना बंद करो, और अभी भी टाइम है, पापा के पाँव में पड़ जाओ, नहीं तो ये पूरा गिलगिट जो भी है पाकिस्तान वगैरह ये सारा POK ये भी अंदर होगा, बलोचिस्तान भी आज़ाद होगा, सिंध भी आज़ाद होगा, और ग्रेटर कराची में तो मांग पहले ही उठ रही है, तुम्हारी बोंड में डंडा कैसे जाएगा। अभी भी याद है, बाप के पास आ जाओ, माफ़ी मांग लो, नहीं तो अपनी माँ चुदवाओ।